को है जो 503 पर इन्होंने लिया है, और दूसरा शेयर इनके पास है इंडिया सीमेंट 273 पर। दोनों में क्या करना चाहिए, 2-3 महीने का नजरिया है सिर्फ। तो देखिए, पहले तो हिंडाल्को पे ध्यान रखिए। हिंडाल्को पिछले करीब 25-30 सेशन से 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 497 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब 540 के ऊपर हिंडाल्को निकलेगा। दूसरे स्टॉक अच्छा इंडिया सीमेंट आपने बोला था जी, तो देखिए इंडिया सीमेंट में तो क्लियरली ट्रेंड निगेटिव है। यहाँ पर तो लोअर टॉप लोअर बॉटम काफी समय से, मेरे ख्याल से 270 रुपए से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, तो आपको तो पहले ही निकलना चाहिए था। और अभी अभी अगर हम बिल्कुल 1 से 2 दिनों की बात करें तो एक अहम सपोर्ट था 198 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। अब स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, गिरावट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से तो अगर आपने अभी तक नहीं निकले हैं तो 193 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पास में ही है। 193 का लेवल ब्रीच होगा तो कम से कम 180 तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो कॉशियस रहिए और 193 का स्टॉप लॉस लगाइए। परफेक्ट। और विवेक राणा का सवाल लेते हैं, इन्होंने टानला पे सवाल पूछा है, 500 शेयर इनके पास, 1150 पे इन्होंने लिए, क्या ये एक साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, टानला सॉल्यूशंस, टानला प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा कॉशियस रहिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं, 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अब अगर ये 790 के नीचे गया तो इसमें गिरावट बढ़ेगी और शायद 675 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो स्ट्रक्चर वीक लगता है, उछाल पे निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 1000 के ऊपर ही करिए। ओके, अरविंद का सवाल है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पे, 1200 पे इन्होंने लिया है 150 शेयर पॉलीप्लेक्स। तो देखिए ये भी स्ट्रक्चर तो वीक लगता है और ये तो मेरे ख्याल से नॉन स्टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 1600 रुपए से आधा हो गया वहां से स्टॉक। अगर आप ऑल टाइम हाई ले तो मेरे ख्याल से 2022 में 2800 के भाव थे, तो ये तो स्ट्रक्चर ही वीक है, इसमें तो नहीं इंटर करना चाहिए था। बट अब अगर कर लिया है तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा, 760 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर उससे पहले कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है जहां तक आप लॉस बेयर कर पाए, और फ्रेश खरीदारी 1000 के ऊपर ही करिए। माने जी सीपीएससी ईटीएफ पे भी आप राय देते हैं क्या? बिल्कुल, अगर चार्ज किसी के भी हो नीरज जी तो मानिल अरोड़ा ने पूछा सीपीएससी ईटीएफ इनके पास है, इन्होंने लिया, क्या करें उसमें, 42.10 रुपए शायद इनका रहा होगा। हाँ तो ये लेकिन अभी 75 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है। मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करके 50% पे स्टॉप लॉस लगा के रखे 69 के नीचे जाए तो आपको पूरी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अच्छा, इनका दूसरा सवाल है टाटा केमिकल्स पे, जो एक हफ्ते में 20% गिर चुका है, वो खबरें तो आई नहीं और सोडा ऐश का प्रेशर और है, क्या करें? टाटा केमिकल में कुछ है, दिख रहा है कि स्ट्रक्चरली कोई चेंज हुआ है क्या? बिल्कुल, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है और वो डाउन साइड के लिए हुआ है। बीच में हमने एक शार्प मूव देखा था 950 से 1350 तक, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। ध्यान रखिए इसमें काफी बार बात हुई थी कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है 1200 रुपए के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली है। और जो पहला ट्रिगर था जहां पर सेल आया था वो 1150 के आसपास का भाव था, उसके बाद से अब ये गिरावट देखने को मिल रही है। और अब अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1024 है उसके नीचे गया तो वापस रिविजिट करेगा ये 950 के स्तर को, तो कॉशियस रहिए, स्टॉप लॉस आपको 1024 के नीचे जरूर लगाना है। 1024 नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। चेतन जी बहुत दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि और कितना नीचे गिरेगा, हमारा पोर्टफोलियो तो 1.5 लाख रुपए माइनस में आ गया है। हाँ, इनके लिए क्या रेमेडी? तो देखिए सबके पोर्टफोलियो की यही हालत है, तो थोड़ा अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो मेरा समझना है कि फंडामेंटली आप स्टॉक्स को चेक कर लीजिए, जहां पर आपको लगता है कि फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है वहां पर बने रह सकते हैं, लेकिन जहां पर वीक लग रहे हैं स्टॉक या जहां पर फंडामेंटल्स वीक है, स्ट्रक्चर वीक है, वहां पे तो बिल्कुल निकलना ही चाहिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कहीं पर थमने की कोशिश होगी। मेरे ख्याल से मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट अभी और बढ़ेगी, और अगर आप ये मान के चलिए अगर निफ्टी में यहाँ से 500-600 पॉइंट क्रैक देखने को मिला तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, तो बहुत कॉशियस रहिए और अपने जो वीक स्ट्रक्चर है वहां पर निकलने की कोशिश करिए। विशाल जी जानना चाहते हैं कि क्या बायोकॉन में और खरीदारी की जा सकती है? इन्होंने ऐड लिखा, इसके मतलब के पास हो सकता है पहले से हो, या कोई और फार्मा स्टॉक जो 500 रुपए से नीचे हो? Okay. तो
देखिए पहले तो बायोकॉन की बात कर लेते, तो यहाँ पर खरीदारी ना करें। मेरे ख्याल से कुछ 8-9 हफ्ते पहले एक इन्वर्स एरेंज शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकला, वहां पर गिरावट देखने को मिली है। और अब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए, और 270 रुपए के ऊपर ही आपको खरीदारी करने का एक ट्रेड लेना पड़ेगा। 500 रुपए से ऊपर का जो से कम का जो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, आने वाले 6 से 8 महीने के लिए, तो ग्रेनुअल्स एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक हो सकता है। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, लेकिन अगर गिरावट बढ़े और 380-390 के स्तर देखने को मिले, तो यहाँ पर 6 से 8 महीने के हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं। 320 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, ग्रैन्यूल्स एक हो सकता है 6 से 8 महीने के लिए अच्छा ट्रेड, और 500 रुपये से नीचे का है जिसने पूछा था। लेकिन इसमें दोनों जो मार्क बताए ना वहाँ पे ध्यान रखिएगा, 380 के आसपास आपको इसमें बाई करके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। महानगर गैस में 1040 पे इन्होंने 1600 क्वांटिटी लिए है, मुनाफा बुक करें या होल्ड? 1040 पे ली है तो मेरे ख्याल से ये मुझसे बहुत पहले की बाइंग होगी। उसके बाद इन्होंने 1500 रुपए का भाव देखा, अब स्टॉक करेक्ट हुआ है। मेरे ख्याल से अभी वेट करिए, निकलने की जरूरत नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज 1190 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। इतना रिस्क लिया है आपने, 1500 से नीचे 1250 तक के स्तर देखे, तो आई थिंक इतना रिस्क तो और बनता है। 1190 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट 1350 है, उसके ऊपर निकलेगा तो रैली फिर से रिज्यूम हो जाएगी और वापस आपको 1550 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मेट्रो ब्रांड्स जूते वाली कंपनी उछल गई है 8.5%, 1120 रुपये पे आ गई है। माना जी मौका है क्या इसमें? देखिए अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक ले तो ऐसा लग रहा है कि मौका है, क्योंकि 2023 अगस्त से अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपए के आसपास काफी बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो वही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। 1000 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन बना सकते हैं। 1200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 1400 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। 1200 के ऊपर निकला तो 1400 तक जा सकता है मेट्रो ब्रांड्स, और आज इसमें अच्छी तेज़ी है। आज टाटा ग्रुप के लिए दिन अच्छा नहीं है। टाटा केमिकल 8.5%, टाटा स्टील 3%, टाटा कम्युनिकेशन 2.5%, टाटा मोटर्स 2.5%, ट्रेंड 2.25%। महाराज जी कोई टाटा ग्रुप का स्टॉक अच्छा लगता है आपको क्या? नहीं, अच्छा बेचने के साइड से लगता हाँ है, क्योंकि अगर मतलब किसी भी सेंस में अच्छा लगे। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे टाटा मोटर्स पे ध्यान दीजिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, 2-3 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज 939 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी एक शॉर्ट बनाया जा सकता है। करंट लेवल्स पे आप एक शॉर्ट का कॉल ले सकते हैं, स्टॉप लॉसेस 956 के ऊपर रहेंगे, बड़ा है। और यह तो आप एक काम कर सकते हैं, टाटा मोटर्स का 930 वाला जो पुट ऑप्शन है वहां पर एक ट्रेड ले लीजिए। 930 का जो पुट ऑप्शन है टाटा मोटर्स का, वो 15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उस ऑप्शन में आप खरीदारी करिए। 7 रुपए का